therefore this volume must be excluded, therefore this volume must be excluded from the ideal volume, from the ideal volume. And he gave volume correction. He gave volume correction. अब क्लियर हुई बात बोलो बेटा. सारे पॉइंट्स लिखने के बाद अब तो कोई चीज दिमाग में कंफ्यूजन वाली नहीं रही ना राहुल बेटा. अच्छा बेटा आफ्टर अनऑक्युपाइड. बिफोर कोलिजन गैसियस मॉलिक्यूल ऑक्युपाइड 4/3 πr³ वॉल्यूम, बट आफ्टर कोलिजन इट ऑक्युपाइज 4 times more volume than its individual volume. Thus, the effective collision volume. Thus, the effective collision volume do not occupy any gaseous molecule. यदि गैसी ऐसे मॉलिक्यूल, therefore this unoccupied volume must be excluded, बाहर निकाल देना चाहिए. उसके बाद वंडरवॉल ने जो रियल गैसेस का डेविएशन होता है बेटा ना आइडियल गैसेस से कितना डेविएट करती है ना वो चीज निकाल करके दिखाया है. अगला टॉपिक डालो, लिखिए डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. Deviation of real gases from ideal behavior. From ideal behavior. From ideal behavior. Real gases के deviation को study करने के लिए वंडरवॉल ने एक नया factor introduce किया बेटा ना, जिसको हम लोग कहते हैं compressibility factor. चलिए एक पॉइंट ऐड कर लो. टू डिस्क्राइब डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. वंडरवॉल introduced a new factor which is known as compressibility factor.
इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, और जेड इक्वल टू होता है बेटा ना पीबी बाई आरडी, और इसी को आप लिखते हैं बी रियल अपॉन बी आइडियल, रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आइडियल गैस का वॉल्यूम। इन दोनों का जो रेशियो आता है बेटा ना वो Z के बराबर होता है, और Z जो PB अपॉन RD का रेशियो कंसीडर किया जाता है। अगर हम आपसे कहें ना कि इफ इफ बी रियल इज मोर देन बी आइडियल, इफ बी रियल इज मोर देन बी आइडियल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके रियल गैस का वॉल्यूम हमेशा आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा बना रहता है बेटा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसियस मॉलिक्यूल आपके पास पास आना ही नहीं चाहते हैं। जब हम उनको पास पास लाने की कोशिश करते हैं बेटा ना तो एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हमारा कम है इन कंपैरिजन ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन, और ऐसे केसेस में Z की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, Z will be more than 1। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ना, लिख लो पॉइंट यहाँ पे, देखिए when Z is more than 1, when Z is more than 1 it means gaseous molecule are, it means gaseous molecules are less compressible gas cannot be liquefied easily, gas cannot be liquefied easily because force of repulsion among gaseous molecule is more than force of attraction। और इसके लिए फॉर एग्जांपल लिख लो, जैसे आप लीजिए हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए या ऑक्सीजन ले लीजिए, ये गैसेस हमारी ऐसी है ना जिनके गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं लगता है, इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा रहता है बेटा, और ऐसे गैसेस को आसानी से लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है। अगर आपकी Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है बेटा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा वो कम लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा लग रहा है। ऐसे गैसेस को आप आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, और लिक्विफाई इसलिए नहीं हो पा रहा है ना क्योंकि जब रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा तो वो दूर दूर होते जाएंगे बेटा ना, पास पास नहीं आएंगे। और उनमें एग्जांपल में जैसे हाइड्रोजन और हीलियम ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये दोनों है। आपको पता ना ये दोनों गैसेज आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं होती है, ये सबके सब आपके सन के एटमॉस्फेयर में है बेटा ना। अगर आसानी से पकड़ में आ जाते ना तो हम लोग इनको बंद कर लेते अब तक के, और ढेर सारे काम इनसे करवाते ना। और दूसरी बात आप देखो ना कि एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है कि नहीं, बोलो बेटा। एटमॉस्फेरिक एयर भी आपका जल्दी कंप्रेस नहीं होता है कि आपने ऐसे फट से हाथ मारा और उसके बाद आपने कहा ये लीजिए लिक्विड बन के तैयार हुआ पी लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बेटा। इसका मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी आपके आसानी से कंप्रेस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, आप चाहे इतना प्रेशर लगा के कोशिश कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपके ये डेविएशन से डिस्क्राइब होता है बेटा ना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए इफ बी रियल, इफ
बी रियल इज लेस देन बी आइडियल। अगर आपके गैस का जो रियल वॉल्यूम है ना वो हमेशा बी आइडियल से कम बना रहता है, इसका मतलब क्या हो गया बोलो बेटा, जब ये केस लोगे तो इस केस में जेड की वैल्यू हमेशा वन से क्या रहेगी बोलिए, कम बनी रहेगी ना। तो जितनी बात आपने पहले लिखी थी वो सारा का सारा यहाँ रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, रिपल्शन कम लग रहा है, ऐसे गैसेस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं और इनका वॉल्यूम हमेशा आइडियल से क्या रहेगा वो कम रहेगा। तो ये जरा पॉइंट लिख लो यहाँ पे, हाँ लिखो बेटा, बिल्कुल बेटा अनस बेटा, किताब में भी गिवन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप एनसीईआरटी से एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिएगा ठीक है। हाँ लिखिए, इफ जेड इज लेस देन वन, इफ जेड इज लेस देन वन गैसियस स्टेट पढ़ रहे हो बेटा ना अनस, तो गैसियस स्टेट में ही गिवन है एनसीईआरटी के फर्स्ट वॉल्यूम में। इफ जेड इज लेस देन वन इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल, अमंग गैसियस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इज मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन सच टाइप ऑफ गैसेस कैन बी, सच टाइप ऑफ गैसेस अमंग मतलब ढेर सारे गैसियस मॉलिक्यूल बेटा ना, सच टाइप ऑफ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इजली। फॉर एग्जाम्पल ले लो बेटा, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, अमंग द गैसियस मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैसियस मॉलिक्यूल इज मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहां तक कंसेप्ट सबके समझ में अच्छे से बोलो बेटा। अब आज थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कल के लेक्चर में रखते हैं बेटा ठीक है। चलो ये आपका गैसियस स्टेट है, इस पे असाइनमेंट्स अपलोड करा देंगे और इनके क्वेश्चंस अगर आप लोग कर डालो ठीक है, तो अब आप लोग अगली क्लास के लिए जुड़ जाइए और यहां से सेशन हम लोग लीव करते हैं बेटा ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।